बरेली में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम की पूर्ण उजागर करते हुए कहा, नगर निगम में विज्ञापन एजेंसियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। नगर निगम के वरिष्ठ नेता और अधिकारीगण अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नगर निगम की विज्ञापन नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। पहले GST 13,000 के आसपास थी, बढ़ाकर 85,000 कर दी गई है। RTI के तहत कुछ सवाल विज्ञापन संबंधी मांगे गए थे, जिसका वितरण नगर निगम द्वारा को जवाब नहीं दिया गया है और विज्ञापन एजेंसी द्वारा अनेक बार अनुरोध किए जाने के बाद भी विज्ञापन कंपनियों की कोई सुनवाई नहीं की गई है। मैं हरीश कुमार कश्यप, बरेली एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। मामला ये है, नगर निगम में एक वरिष्ठ नेता जी और अधिकारियों ने मिलकर अवैध रूप से टेंडर किया। टेंडर करके हम सब लोगों को बेरोजगार कर दिया। टेंडर क्यों किया गया? टेंडर इसलिए किया गया कि हम लोगों से विज्ञापन वर्ष 2022-23 के नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, जो कि हम लोग डिमांड पूरी नहीं कर सके। नहीं करने की स्थिति में उन्होंने टेंडर करके हम सब 38 एजेंसियों में से 37 एजेंसियों को बिल्कुल बाहर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। हमारे पास आज की डेट में कोई भी रोजगार का कोई साधन नहीं है। और ये इन्होंने क्यों किया, ये अधिनियम है। अधिनियम की धारा में, जिस धारा के अंतर्गत इन्होंने बायलॉज बनाया है, उसमें कहीं भी टेंडर का कोई प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने टेंडर को अवैध रूप से उसमें जोड़ दिया, जिससे कि हर साल हम लोगों से टेंडर की धमकी देकर हर साल जो है अवैध तरीके से धन उगाही की जा सके। और ये निरंतर चला आ रहा बहुत टाइम से, और बिल्कुल इस बार तो बिल्कुल गर्दन ही, हमेशा गला घोट के हमसे पैसे लिए जाते थे, इस बार तो बिल्कुल गला काट दिया हमारा, हमें बिल्कुल ही पैदल कर दिया। मतलब कोई रोजगार नहीं हमारे पास किसी तरीके से, बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है। सारी कमियाँ, अगर ये जो नियमावली बनाई है वो भी इस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत जो बनानी चाहिए थी उसका भी उल्लंघन करते हुए बनाया गया। हमारी आपत्तियों की बिना सुनवाई किए हुए बनाया गया। अगर फिर उसके बाद जब हम लोग ये जो नियमावली बनाई है ये, और उसके बाद जब हमने पैसे नहीं दिए, नहीं देने की स्थिति में इन्होंने सबसे पहले तो विज्ञापन की विज्ञप्ति निकाली कि सब लोग अपने जो है रजिस्ट्रेशन करा लो विज्ञापन पटों के नवीनीकरण के लिए। लगभग 28 विज्ञापन एजेंसियों ने अपने पंजीकरण करा लिए 2.5-2.5 लाख रुपए जमा करके नगर निगम में। इन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी एजेंसियां जो है इसमें पंजीकृत हो जाएंगी। फिर इन्होंने जब देखा कि हमारे लिए तो 1 करोड़ रुपए मिल नहीं रहे हैं, फिर इन्होंने एडटेक से साठ गांठ करके उनके लिए ठेका दे दिया, ठीक। और ठेके में भी उनकी डमी एजेंसियाँ ही पार्टिसिपेट कर पाएं, बाकी जो 38 एजेंसियाँ जो काम कर रही थी, लगभग कोई 30 साल से कर रही हो, कोई 10 साल, कोई 15 साल, उनमें से कोई भी पार्टिसिपेट ना कर पाए, इसलिए ऐसी शर्तें बनाई गई। शर्तें जो बनाई गई हैं विज्ञापन की, शर्तें इस तरीके से बनाई गई टेंडर की कि 20 करोड़ का टर्नओवर। बताइए 20 करोड़ का टर्नओवर किस विज्ञापन एजेंसी का होगा? पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल रहा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।